हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल यशकुल लर्निंग स्टूडेंट्स आज हम करेंगे क्लास फोर्थ का लेसन नंबर एट काइट की एक्सरसाइज और इसके क्वेश्चन आंसर इस लेसन का हिंदी ट्रांसलेशन हम अपनी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं अगर आपने इस लेसन का हिंदी ट्रांसलेशन नहीं किया है तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ आप वहां से कर सकते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आपकी स्क्रीन पर जो रेड बटन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस कीजिए साथ में बेल आइकन दबाइए इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता है ओके तो चलिए करते हैं स्टार्ट सबसे पहले हम करेंगे स्टूडेंट्स इसका कंप्रीहेंशन पार्ट कंप्रीहेंशन में पार्ट ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं जिसके तीन ऑप्शन हैं तीन में से आपको राइट right ऑप्शन पर टिक करना है तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए द डैश वर द फर्स्ट टू फ्लाई काइट्स कौन थे देखिए जिन्होंने सबसे पहली बार पतंग उड़ाई थी चाइनीज okay, रशियन और अमेरिकन तो सबसे पहले काइट्स किसने उड़ाई थी स्टूडेंट्स ऑप्शन ए चाइनीज सेकेंड देखिए इंडियन काइट्स आर जनरली इंडियन काइट्स जो होती है साधारण तौर तो पर बनी होती हैं देखिए मेड विध पेपर पेपर से एंड बेम्बू से और शेप क्या होती है देखिए शेप्ड शेप्ड और डायमंड शेप्ड तो इंडियन काइट्स की क्या शेप होती है डायमंड शेप डायमंड शेप की होती है ये नंबर थर्ड मकर संक्रांति फॉल्स ऑन मकर संक्रांति कब होती है देखिए कब होती है फोर्टीन जनवरी ऑप्शन ए राइट है स्टूडेंट्स इसमें

2000 ईयर पहले, 2000 वर्ष पूर्व पहले स्टार्ट किया गया था काइट उड़ाना। the Chinese were the first to fly kites और सबसे पहले चाइनीज़ ने ने पतंग उड़ाई थी। देखिए, का यूज़ क्यों किया आंसर देखिए साइंटिस्ट का यूज टू कैरी इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट ले जाने के लिए करते थे हाई इनटू द क्लाउड्स बादलों में ऊंचाई पर okay? तो ऊपर बहुत ही ऊंचाई पर बादलों में साइंटिस्ट इंस्ट्रूमेंट ले जाने के लिए काइट्स का यूज करते थे क्वेश्चन नंबर थर्ड व्हाई डिड बेंजिन फ्रैंकलिन कंडक्ट द काइट एक्सपेरिमेंट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने काइट एक्सपेरिमेंट क्यों कंडक्ट किया था आंसर देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन कंडक्टेड द काइट एक्सपेरिमेंट जो बिजली की चमक है जो बिजली चमकती है आसमान में वह एक इलेक्ट्रिकसिटी का ही रूप है he thought, उसने सोचा दैट हीट की वह उसे प्रूव कर सकेगा इफ यू से वो एक काइट भेजता है टू कैच द करंट फ्रॉम लाइटनिंग फ्लैशेज अगर वो आसमान में काइट भेजता है और वो कर, जो काइट है वो करंट कैच कर लेती है तो इससे ये प्रूव कर सकता है कि बिजली जो है आसमानी बिजली वो इलेक्ट्रिसिटी का ही रूप है क्वेश्चन नंबर फोर हाउ कैन काइट फ्लाइंग ऑन और रूफ टेरिस बी डेंजरस छत पर काइट उड़ाना किस तरह से खतरनाक हो सकता है आंसर देखिए बिकॉज पीपल ऑफन फॉल फी ऑफ द रो देखिए क्यों क्योंकि छत पर काइट उड़ाना क्योंकि अक्सर लोग छत के किनारे से गिरकर मर जाते हैं उनकी डेथ हो जाती है तो इसीलिए छत पर काइट उड़ाना खतरनाक होता है क्वेश्चन नंबर फाइव डिस्क्राइब एन इंडियन काइट एक इंडियन काइट्स को डिस्क्राइब कीजिए कैसी होती है इंडियन काइट आंसर देखिए इंडियन काइट्स आर जनरली इंडियन काइट्स जो होती है साधारण तौर पर बनी होती है देखिए डायमंड शेप की विद पेपर मेड विद पेपर एंड बैम्बू और बनी होती है पेपर से बैम्बू से ओके इंडियन काइट्स साधारण तौर पर पेपर और बैम्बू से बनी होती है जो डायमंड शेप की होती है द वेरियस कलर्स डिजाइन एंड पिक्चर्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस मेक देम लुक डिफरेंट और अलग अलग तरह के कलर डिजाइन और पिक्चर जो है देवी और देवताओं की जो पिक्चर होती है वो उन्हें एक दूसरे से डिफरेंट बनाती है एक डिफरेंट लुक देती है सी क्वेश्चन नंबर सिक्स विच इज द ग्रेट इंडियन काइट फेस्टिवल इंडिया का सबसे ग्रेट काइट फेस्टिवल कौन सा है आंसर देखिए मकर संक्रांति कौन तो सा है स्टूडेंट्स मकर संक्रांति विच फॉल्स ऑन फोर्टीन जनवरी मकर संक्रांति जो फोर्टीन जनवरी को आता है इज द ग्रेट इंडियन काइट फेस्टिवल इंडिया का सबसे ग्रेट काइट फेस्टिवल है ओके okay? तो स्टूडेंट्स ये हुए इसके क्वेश्चन आंसर्स अब हम नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ ग्रामर वर्कशॉप में आपको वर्ब दी गई है स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वर्ब्स होती क्या है वर्ब जो है ए वर्ब इज अ वर्ड शोज एक्शन एक वर्ब जो होती है ऐसा वर्ड होता है जो किसी एक्शन को शो करती है कि किसी सेंटेंस में कोई काम हो रहा है क्या काम हो रहा है ये बताती है फॉर एग्जाम्पल क्लैप ताली बजाना जंप कूदना स्क्रीम चिल्लाना इस तरह से लिख ले, स्पीक लाफ इस तरह से जो ये वर्ड है ये वर्ब है इसी तरह से स्टूडेंट्स जो भी हम काम करते हैं वो एक वर्ब होती है। फॉर एग्जाम्पल खाना पीना हंसना रोना चिल्लाना ताली बजाना ये सभी एक तरह की वर्ब होती हैं। ओके नेक्स्ट सी पार्ट देखिए फिलिंग ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब अब आपको यहाँ पे फिलअप्स भरनी है बिल्कुल सही वर्ब के साथ द विंड क्या काम करती है बहने का चलने का तो क्या होगा द दिन ब्लोज हवा बहती है द वोल्केनो वेलकेन मीन होता है ज्वालामुखी द दरिप्स ज्वालामुखी क्या करता है फटता है इरिप्स करता है नेक्स्ट नंबर थर्ड इफायर इफायर क्या करती है धधकती है बजेज ए रिवर फ्लोज लाइटिंग स्प्रकल बिजली जो है कड़कती है ना सन चमकता है बिजली चमक, बिजली चमक कर कड़कड़ाती है। रिवर बहती है और मतलब है। बहती और मतलब नेक्स्ट नंबर डी देखिए अंडरलाइन वर्ब इन देंटेंसेज ये नीचे सेंटेंस दिए गए हैं इसमें आपको वर्ब को अंडरलाइन करना है ओके द चाइल्ड हंटेड फॉर हिज बॉल फॉर ऑल ऑल ओवर द बच्चा जो था अपनी पार्क अपनी बॉल को पूरी पार्क में ढूंढ रहा था हंटेड ओके नेक्स्ट सेकेंड महेश ड्रो स्लोली महेश ने बहुत ही धीरे चलाया थ्रू द स्ट्रीट्स भीड़ भाड़ वाली गली में तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या काम हो रहा है ड्राइव करने का गाड़ी चलाने का तो यहाँ पे जो वर्ब जो है वो क्या है ड्रोव ड्रोव इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ ड्राइव ओके नंबर थर्ड फ्रॉम एवरी लैंड इन वर्ल्ड इस वर्ड की प्रत्येक लाइन में से travelers came to the city इस सिटी में ट्रैवलर्स आए तो यहाँ क्या काम हो रहा है आने का वर्ब क्या हो रही है आना तो यहाँ पे कौन सी वर्ब है came आने को इंग्लिश में क्या कहते हैं कम और कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है came ए हंड्रेड बर्ड्स बिल्ट देयर नेस्ट इन द टॉल ओक ट्री सैकड़ों पक्षी ओक ट्री के ऊपर सैकड़ों पक्षियों ने ओक ट्री पर अपना घोंसला बनाया तो यहां पे स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में वर्ब क्या हो रही है बनाना और बनाना को इंग्लिश में कहते हैं बिल्ड और बिल्ड की सेकेंड फॉर्म क्या होती है बिल्ड ओके okay? क्योंकि पास सेंटेंस है ये तो यहाँ पे वर्ब क्या है बिल्ड ओके स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स यहां होता है हमारा लेसन नंबर एट कंप्लीट आई होप आपको लेसन नंबर एट अच्छे से क्लियर हुआ होगा मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ थैंक यू